हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपसे एजुकेशन बायल में। आज मैं उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिलेशन फॉरम स्टार्ट। कब से कब तक फॉरम भरे जाएंगे, क्या डेट रहने वाली है, इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। रिलेशन आरटीआई और स्क्रूटनी क्या है, क्या फीस रहने वाली है, तो सो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप जरूर पहुंचे। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिलेशन फॉरम 2024 शुरू। रेगुलर नॉन एक्स एनुअल की बात कर रहा हूं, एनुअल कोर्स, ठीक है, एनुअल पास कोर्स और होनर्स, ठीक है। फॉरम कब से कब तक भरे जाएंगे, कहां से फॉरम भरना है, फीस क्या रहने वाली है, हार्ड कॉपी कहां जमा करानी है और रिजल्ट कब आएगा, तो इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरम कहां से भरना है। क्रोम पर जाना है। क्रोम पर जाने के बाद में यूनि राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट uniraj.org पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर रिवीजन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कोर्स पर क्लिक करना है, फिर फैकल्टी पर, फैकल्टी के बाद में क्लास पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो सो ऐसे फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। फॉरम लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 17 अगस्त 2024 तक आप फॉरम भर सकते हो। ये 15 दिन तक फॉरम चलते हैं। रिजल्ट आने के 3 दिन बाद फॉरम स्टार्ट हो जाते हैं और 15 दिन तक चलते हैं, ठीक है। कौन भर सकता है, तो सबसे पहले हम बात करें पास, हेल, बैक, इसके दो पेपर बैक है वो फॉरम भर सकता है। फेल हो गया वो भर सकता है। पास अगर आप रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, जैसे मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो वहां पर आप फॉरम लगा सकते हो। ग्रेस, जैसे आपके किसी सब्जेक्ट में दो पेपरों में एक पेपर में कम नंबर आए हो, जैसे 72 नंबर में से जैसे 60 आ रहे हैं, तो आपके 12 नंबर हैं, तो एक पेपर में आपके ग्रेस लगे हैं, तो उसमें आप रिवेलेशन का फॉरम लगा सकते हो। रिजल्ट में नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, मार्कशीट आएगी ना उसमें अर्जी दिखाया जाएगा। पोसा, पोसा, पी ओ एस ओ, पोसा, ई एफ पी एस, पी पी एस ओ, ई एफ पी टी, ये सभी रेगुलेशन आरटीआई और स्क्रूटी का फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। मोस्टली विद्यार्थी रेगुलेशन का फॉर्म लगाते हैं। इसमें 3 फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, रेगुलेशन, स्क्रूटनी, आरटीआई। आरटीआई की बात करते हैं तो आप कॉपी घर पर मंगवा सकते हो, कॉपी घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। आरटीआई का मतलब होता है, इसकी फीस रहने वाली है ₹680 पर पेपर, पर पेपर आपकी ₹680 रहने वाली है, ठीक है। आप जैसे 10 पेपर है तो 10 में भी लगा सकते हो, आप दो पेपर है तो 2 में लगा सकते हो, ठीक है। स्क्रूटनी, पुनर्गणना, आप कॉपी में टोटल नंबरों की जांच होगी, उसको नोट किया जाएगा और आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। रिवेलेशन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पुनर्जांच होती है, पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, आपकी रीचेकिंग, आपकी दोबारा से कॉपी जांच होगी। तो विद्यार्थी रिवेलेशन का फॉर्म जरूर लगाए, इसमें नंबर बढ़ते हैं 100%, यानी कि 99% नंबर बढ़ेंगे। आपने कुछ किया है कॉपी में और चेक करने वाला है ना, तो उसमें जो टीचर है वो आपको नंबर जरूर देगा और आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो स्क्रूटनी की बात करते हैं तो ₹180 पर पेपर की रहने वाली है, कितने में भी आप ये स्क्रूटनी लगा सकते हो। रेगुलेशन का फॉरम की फीस रहने वाली है ₹430 पर पेपर। ध्यान रहे आप 50% पेपर में रेगुलेशन फॉरम लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके 6 पेपर हैं तो आप 6 में रेगुलेशन लगा सकते हो, आपके 3 पेपरों में रेगुलेशन लगाया जाएगा, तो इसमें नंबर बढ़ेंगे 100% है आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बार रिजल्ट पता नहीं कैसे निकाल रही है, बहुत कम नंबर आने लोग विद्यार्थियों ने करके तो आए हैं, परंतु पता नहीं कैसे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना उसने इतने नंबर कम क्यों दे रहा है। तो सो आप रेगुलेशन का फॉरम लगाए, आप आरटीआई भी लगा सकते हो, आप स्क्रूटनी लगा सकते हो। मोस्टली मैं आपको बता दूं रिवेलेशन फॉरम आप जरूर लगाएं, ठीक है। अब हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी
आपको घर पर ही रखनी है फॉर्म भरने के बाद। अगर कॉलेज द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आप वहां पर जमा करवा सकते हो, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, मोस्टली सबको इंतजार है कि रिजल्ट यार कब आएगा, फेल हो गया हूं तो यार कितना टाइम लेगा। तो रिलेशन का रिजल्ट लगाने की लास्ट डेट है ना, उससे जैसे आपके 17 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली, तो लास्ट डेट से 30 से 40 दिन के बीच आपका रिजल्ट आएगा। तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रिलेशन के बारे में बता दिया है, स्क्रूटनी के बारे में बता दिया है, आरटीआई के बारे में बता दिया है। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप जरूर बचे। थैंक यू।